दो बार के सांसद, तीसरी बार के प्रत्याशी अकबरपुर लोकसभा सांसद देवेंद्र सिंह भोले हमारे साथ बात करने के। सर, चौथे चरण में मतदान अपने यहाँ कानपुर में, आप अपनी लोकसभा में जा रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? हम लोग माँ गंगा के किनारे खड़े हैं और माँ गंगा हम सबको पवित्र करती हैं, हमारी आत्मा को, हमारे मन को, और हमको काम करने के लिए जो उनसे प्रेरणा मिलती है उसके तहत आज माँ गंगा के किनारे 2013 को 19 अक्टूबर में एनडीए के नेता के रूप में वर्तमान में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं उनके द्वारा हिंदुस्तान के परिवर्तन में उत्तर प्रदेश परिवर्तन में कानपुर और इसी कानपुर के कल्याणपुर में जो उन्होंने बुद्धा पार्क में अपने संबोधन में कहा था कि यह सरकार गरीबों की सरकार है, नौजवानों की सरकार है, किसान और व्यापारियों की सरकार है और नारियों की सरकार है और उसमें काम में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो हमारी विचारधारा के साथ थे उनको भी और जो विचारधारा के साथ नहीं थे उनको भी, जो माँ भारती के साथ चल करके माँ भारती को देश ही नहीं दुनिया में अग्रणी भूमिका निर्वाह करने में अपना सहयोग करेंगे, उस जो बोध को लेकर के चले थे वही हमारे कानपुर वासियों का, अकबरपुर लोकसभा के लोगों का और स्वयं मेरे उनके आपके मार्गदर्शन में मेरा संकल्प है कि अकबरपुर देश में प्रदेश में अग्रणी स्थान पाए, यहाँ के लोग पाए, यहाँ के सारे लोग शांति से, सम्मान से, आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, बौद्धिक तौर पर माँ गंगा के आशीर्वाद को लेते हुए देश और दुनिया के लिए भारत के योगदान में जो महत्वपूर्ण भूमिका देश के श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी, उत्तर प्रदेश के श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी जो भूमिका का निर्वाह कर रहे, हम सब मिलकर उन्हीं की भूमिका के साथ खड़े होकर आगे बढ़े। कानपुर के जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार दोनों सीटें बीजेपी हार रही है। कानपुर के जो विपक्षी नेता हैं वो कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी दोनों सीटें हार रही है। ऐसा है, बीजेपी ने पूरे देश में एक साथ सारी सीटें 2-3 चरणों में घोषित की। जो महागठबंधन है, जब उसने 6 या 8 महीने पहले अपने भ्रष्टाचार के नाते जेल जाने के भय से जेल जा रहे थे माननीय न्यायपालिका के आदेश से, इसलिए एक हुए। लेकिन आज वह लोग जो प्रदेश में अपने आप को सर्वोच्च नेता बताते हैं अपनी सीटें नहीं तय कर पा रहे हैं, अपने केवल एक परिवार की सीटें तय कर पा रहे हैं, दूसरे उनके पिछले चुनाव में बुआ भतीजे थे उनका भी कहीं अता पता नहीं है, उनके भी प्रत्याशियों के मुझे नहीं मालूम क्या कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि कानपुर में अकबरपुर लोकसभा और कानपुर महानगर लोकसभा एक इतिहास रचेगी। पिछली बार मैं यहाँ से जीता था 2,82,000 से लगभग 6 लाख वोट मिले थे, अब की बार देवेंद्र सिंह भोले को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और आम हर योजना हर व्यक्ति तक लाभार्थी के पास पहुंचाने में 10 लाख से अधिक वोट पा करके इनको तो जमानत भी किसी की नहीं बचेगी, चाहे जो प्रत्याशी हो। और यही स्थिति अकबरपुर लोकसभा और कानपुर की है कि यहाँ सब सनातन धर्म प्रेमी हैं, सनातन को आगे बढ़ने में दोनों सीटें, पिछली बार भी हम जीते थे, अकबरपुर भी जीते थे, कानपुर भी जीते थे भारी बहुमत से और उससे और अधिक वोट से दोनों सीटें जीत करके, और देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में भारत और ऊँचा अपना स्थान प्राप्त करे, उसमें अगर कोई माला होगी, माला का फूल होगा तो अकबरपुर का होगा और एक पूर्ण कानपुर महानगर का होगा। सांसद देवेंद्र सिंह भोले जिन्होंने कहा कि विपक्ष अभी तक अपनी प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं कर पा रही है और इस बार कानपुर की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाएंगी। अब देखना ये होगा कि मतदान 4 जून को खुलेंगे, तब पता चलेगा कि दोनों सीटें किसके पाले में गई। कानपुर से दीपक यादव, जेएमबी न्यूज।